से हम अपनी वॉकेबलरी की सीरीज़ नहीं शुरू करते हैं इसमें हम डेली फाइफ वोकेबलरीरी के वर्ड्स उनके मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनियम्स को पढ़ेंगे और उनको रिवाइज करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश आती है तो उसी सीरीज में हमारा सबसे आज का फर्स्ट वर्ड है इम्पास इम्पास जो है एक नाउन है इसका अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो गतिरोध मतलब एक रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं और अगर इंग्लिश में इस चीज़ का मीनिंग देखा जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन या फिर क्लोज रोड मतलब किसी चीज़ को रोक देना अब इसके सिनोनिम्स मतलब जो सेम वर्ड्स जो होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है तो होते हैं डेड लॉक प्लाइट जैम बैक बैकेज प्रिडिकमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन अब हम इसके एंटोनिम्स अगर देखते हैं एंटोनिम्स का मीनिंग होता है अपोजिट वर्ड तो हेडवे पैसेज मोमेंट लिक्विफाई प्रोसेस मतलब जो जिसमें किसी को रास्ता दिया जाए इम्पास का मतलब होता है रुकना और इसके इसकेटोनियम क्या होंगे जहाँ पर ईजी गोइंग मतलब ईजिली किसी को जाने की परमिशन हो अगर इसका सेंटेंस में अगर हम इसका यूज़ देखते हैं तो देखिए द कंसेंसस पॉस्पोन ड्यू टू द इम्पास बिटवीन द टू साइड्स जो कंसेंस बन रहा था किसी वो किसी दो पार्टीज के बीच में वो डिले हो गया किस वजह से क्योंकि उनके बीच में इम्पास आ गया मतलब गतिरोध आ गया दोनों के बीच में नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है इनकेप्सुलट इनकेप्सुलेट जो है एक वर्ब वर्ब है इसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग है छोटा करना और इंग्लिश में मीनिंग अगर देखते हैं तो मेक एनीथिंग शॉर्टर मतलब कोई भी एक बड़ी चीज है उसे स्मॉल या फिर उसको शॉर्ट करना अगर इसके सिन देखते हैं तो एवरेज कट रैप और समराइज मतलब सिरोनिम्स uh, वही आ जाएंगे जिसमें भी किसी चीज़ को कट करा जाए और अगर एंटेनिम एंटोनिम्स की बात करें तो डिटेल लेविश इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स और एलाबरेट एलाबरेट मतलब किसी को खींच देना सेंटेंस जो बनेगा इसका मतलब जो टीचर थी उन्होंने जो लेक्चर था उसे स्मॉल कर दिया जिससे कि बच्चे बोर ना हो इसी वजह से इनकेप्सुलेटेड यूज हुआ है इस वर्ड में नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नाइट मेयर नाइट मेयर जो है एक नाउन है भयानक सपना मतलब एक डरावना सपना भी कह सकते हैं फेयरफुल ड्रीम और ए एक बैड एक्सपीरियंस किसी बैड एक्सपीरियंस को भी हम नाइट मेयर कहते हैं सिनोनिम्स ड्रीम फैंटेसी फेयर एल्यूजन और हॉरर मतलब एक बैटर आ, नाइट मेयर में जो सिनोनिम्स हैं मतलब कोई मतलब बैड एक्सपीरियंस कहें या फिर कोई ड्रीम कहें या एल्यूजन कहें अगर एंटोनिम्स की बात करें तो प्लेजर ट्रुथ डे एंड रियलिटी एग्ज़ाम्पल अगर देखते हैं इसका ट्रैवलिंग अलोन इन द नाइट इज़ लाइक अ नाइट मेयर फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल मतलब रात में चलना या ट्रैवल करना काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी डरावना होता है तो इसको यहाँ पर यूज़ करा गया है तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं न्यूसेन ये भी एक ए, नाउन है इसका मीनिंग होता है परेशानी और काजिंग इनकनवीनियंस अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पेन इरीटेशन ब्रद बॉडर ट्रबल और हेड एक अगर एंटोनिम्स देखेंगे तो जॉय प्रिवेज बेनिफिट सोल्यूशन असिस्टेंट गोड सेंड मतलब न्यूसिन uh, का मतलब होता है कोई भी परेशानी आना या फिर कोई पेन होना और उसका एंटोनिम्स वही हो जाएगा प्रिवेज होना बेनिफिट होना फ़ायदा होना अगर एग्जाम्पल की बात करें बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ़ द रोड द ड्राइवर आर फेसिंग न्यूसेंस ड्यू टू ड्राइविंग देयर व्हीकल मतलब खराब रोड के कारण जो ड्राइवर है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है रोड व्हीकल को चलाने में आज का लास्ट वर्ड देखते हैं पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन जो है ये एक वर्ब है इसका मतलब होता है प्रवेश या फिर एंट्रिंग समवेयर जैसे किसी ए, किसी जगह पर एंटर करना सिनोनिम्स इनसाइड एंट्रेंस इन्वेजन इन्फिल्ट्रेशन एक्यूम डिसेंटमेंट मतलब इन्फिल्ट्रेट मतलब जैसे किसी कंट्री के अंदर कोई दूसरा कंट्री एंटर कर जाए मिलिट्री के द्वारा तो उसको भी पेनिट्रेशन भी कह सकते हैं एंटोनियम की बात करें एनिग्मा डिपार्चर कम आउट मतलब वहाँ से बाहर आ जाना सेंटेंस की बात करें तो द विलेजर्स आर लिविंग इन फियर बिकॉज ए मैड एलिफेंट पेनिट्रेटेड द विलेज जो विलेजर्स थे वो डर के माहौल में थे क्योंकि एक पागल एलिफेंट जो है वो विलेज के अंदर आ गया था तो यहाँ पर पैनिट्रीट यूज़ हुआ है जिस एलिफेंट जब एंट्री कर गया विलेज के अंदर तो आज की हमारी ये फाइव वर्ड्स हैं इनको आप याद करें इनकी मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स सबको याद करें क्योंकि यही ऐसे इस तरह के वर्ड होते हैं जो एक्सचेंज करके आ जाते हैं लाइक सिनोनिम्स में से कोई एक वर्ड लाइक इन्फ्लिट्रेशन पूछ लेगा तो इनका मीनिंग क्या होगा ठीक है तो आपको वर्ड तो याद कर रहे हैं लेकिन इनके साथ में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी याद कर रहे हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आगे के फाइव वर्ड्स और मीनिंग के साथ